समारोह के अध्यक्ष अरम अजनी विधानसभा का श्रीमान राहुल देव उदासन दीवमा म्युनिसिपालिटी में स्नेह मिलन कार्यक्रम योजायो। आ कार्यक्रम दीव कलेक्टर राहुल देव पुरा साहेब नी अध्यक्षता में योजायो। दर वर्षे नवा वर्षना दिवसे आ कार्यक्रम भव्य रीते उजवाय छे। आजे पण आ प्रसंगे दीव कलेक्टर राहुल देव पुरा साहेब अने एडीएम विवेक कुमार साहेबे नवा वर्षनी शुभकामना पाठवी अने दरेकने मिठाई खवडावी। आ प्रसंगे डेप्युटी कलेक्टर शिवम मिश्रा साहेब, पद्मश्री प्रेमजीत बाड़िया, दीव म्युनिसिपालिटी प्रमुख हेमलताबेन दिनेश, दीव जिला पंचायत प्रमुख श्री रामजीभाई भीखा, काउंसिलरो, अग्रणी नागरिको अने डीएमसी कर्मचारीओ उपस्थित रह्या। स्वस्ति नस्ता रक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर् ददातु भद्रं करणेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये मा जज्जत्राः स्थिरैरङ्गे सुष्ठवागुसस्तनो दिव्यसे वहि देवहि तन्द्रदायो ॐ व्योः सन्धिरन्तरिक्षकु सन्धे व्रतव्ये सन्धिरा असन्धिरो सुप्रभात। सर्वप्रथम आज की इस स्नेह मिलन के पावन अवसर पे आज के मुख्य अतिथि जिला समाधान महोदय श्री राहुल देव प्रसर का मैं अभिनंदन करता हूँ। इसी के समाधान पर मंच के विराजमान डीएमसी चेयरमैन है डीपी प्रसन्न साहब, वाइस प्रेसिडेंट डीएमसी मेरे प्रसन्न साहब और विशिष्ट तौर पे इस परिषद की शोभा बढ़ाने के लिए सभी उपस्थित सभी ऑनरेबल काउंसिलर साहिबान और नागरिक ये एक अच्छी परंपरा है जो मैं मानता हूँ अच्छी है कि गुजराती नॉवर्स है और हम सब लोग अपने खुशी का इजहार करने के यहाँ से हो तो मैं अपनी तरफ से बहुत बेहतर नहीं हुआ और प्रार्थना करूँगा कि सब श्रेष्ठ भाव से हम लोग पूरे वर्ष पर्यंत राष्ट्र हित में अच्छे गाली गाएँ और जो संस्कृति भक्ति इस समय सबसे उपयुक्त है मैं कहना चाहूँगा जैसे मुझे मौने ने दोहराया था कि सभी सुखी हों सर्वे नौनतु सुखिन है सर्वे सबको निगाह गया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। कहने का तात्पर्य कि पूरे विश्व को हम अपना कुटुंब माने परिवार माने और सबका सहयोग लेकर के अपना मार्ग प्रशस्त करें। इन्हीं ऊर्जावान शब्दों के साथ मैं आप सबको मेरी तरफ से विशेष तौर पर जो गणमान्य नागरिक यहाँ उपस्थित हैं उनको मेरी तरफ से प्रणाम है, शुभकामनाएं हैं और बड़ों का आशीर्वाद हम लोग चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो राजधन हमें निभाने का उपदर्व मिला है उसको गरिमा में पूर्ण ढंग से हम लोग क्रियान्वित करें। वंदे मातरम। थैंक यू। आप सभी को 2081 वर्ष की बट जब भी कोई बोलता है तो उसमें कुछ ना कुछ छुट्टी जाता है ना तो एक दो चीज़ें ही बस मैं बोलूँगा कि चेंज के लिए बोला था कि हम इस दिन नया संकल्प लें कुछ ना कुछ नया रहे पर चेंज के साथ में कंटिन्यूटी जो चीज़ होती है वो भी नेचर का ही हो। हम जो पिछले साल के अंदर जो जो अच्छी चीज़ें की उन चीज़ों का हम कंटिन्यू करेंगे इस समय। एक कोट जो मेरे दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब रखता है स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि ओनली दो लिव टू लिव फॉर अदर्स सिर्फ दुनिया में वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते। तो हम खुद के भरण पोषण के लिए खुद के कमाने के लिए हमेशा ही हम नए साल में प्रयत्न करते हैं। इस नए साल में हम संकल्प लेंगे कि हम खुद के बजाय समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें पूरे साल में। उसी के साथ मैं चाहता हूँ कि आप 2081 वर्ष लिव के लिए और आप सभी के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
राष्ट्र के गौरव आप अपनी सीढ़ी देता है।